हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली हम इसमें चार फैक्टर्स पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। तो पहला इसमें जो पॉइंट है वो है दोस्तों जीआई फिजियोलॉजी। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फिजियोलॉजी, मीन उसका पूरा फंक्शनिंग वगैरह फिजिकल, मतलब कैसे वो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो पहला पॉइंट, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन स्टमक। तो ये राउंड फिगर है 10 टाइम्स, तो सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है देन स्टमक से। क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के कम एरिया में ज्यादा लेंथ आ जाती है उसकी, और माइक्रोविलाय मतलब हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं सरफेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग बेटर हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे द प्रोटीन ड्रग्स आर रिलीज्ड, मतलब एब्जॉर्ब्ड, बिकॉज देयर इज नो प्रोटोलाइटिक एंजाइम इज प्रेजेंट। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या होता है, जो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करे अमीनो एसिड्स में। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लाइक पेप्सिन, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन वगैरह, तो ये सारे क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करते हैं अमीनो एसिड्स में। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है प्रैक्टिकली ये परफॉर्म किया गया है कि जो लास्ट एंड या फिर कोई एक छोर है, हिस्सा है स्टमक का, वो हमने बांध दिया, टाई कर दिया किसी भी धागे से या कॉटन थ्रेड से। उसके बाद हमने क्या करा, ड्रग उसको एडमिनिस्टर करी, मतलब उसको ओरली हमने दी ड्रग। उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, कि जो एब्जॉर्प्शन हुई है वो 30% हुई है। तो जो एब्जॉर्प्शन रेट 30% है, बट हम नॉर्मली अगर हम लेंगे बिगर उसको बांधे, बिगर टाई करें, तो वो जो नॉर्मल कंडीशन में होगी वो 10% होगी। तो हमने ये देखा कि एब्जॉर्प्शन 30% तक की उसकी लिमिट है, उससे ज़्यादा ड्रग एब्जॉर्ब उसमें नहीं होगी स्टमक में। तो ये तीनों पॉइंट हैं अलग अलग तीनों ऑर्गन्स के जीआई फिजियोलॉजी में। एक स्टमक का पॉइंट है गाइस, एक लार्ज इंटेस्टाइन का और एक स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद हम बात करते हैं जीआई ब्लड सप्लाई का। तो आपको पता है कि दवाई ब्लड में जाने से पहले उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, जिसको हम फर्स्ट पास इफेक्ट भी कहते हैं, और जनरली ये लिवर में होता है, तो हम उसको बोलते हैं हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट। तो पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। एडमिनिस्टर्ड ड्रग रेड्यूस्ड बिफोर इट रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हमने जब कोई ड्रग ओरली दी है, तो वो कितना रेड्यूस हुई है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ ड्रग उसका हमारा वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू निकला है ब्लड में जाने से पहले, तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और अगर ये लिवर में होगा तो हम बोल देंगे इन लिवर, ओरली एडमिनिस्टर्ड ड्रग रेड्यूस्ड बिफोर इट रीच टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गाइज, ये सारी वो ड्रग्स हैं, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, निफेडपिन, वेरापिमिल, लिडोपिन। और ये भी जीपेट में क्वेश्चन आता है कि निफेडपिन क्या है, वेरापिमिल क्या है, तो आपको बता दूं निफेडपिन, वेरापिमिल ये सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ठीक है। लिडोकेन हमारी एक वो है एनाल्जेसिक ड्रग है। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स में और एनेस्थेटिक ड्रग्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, कि जो एनाल्जेसिक ड्रग होती है वो बेहोश नहीं करती, पर जो एनेस्थेटिक ड्रग होती है, एनेस्थेटिक ड्रग्स हमारी बेहोश कर भी सकती है और नहीं भी, मतलब कॉन्शियसनेस को लूज कर भी सकती है और नहीं भी। उसके बाद जो ये प्रोपेनोलोल और मेटाप्रोलोल ये सारे बीटा ब्लॉकर्स हैं। उसके बाद अगर हम गाइस चलें अपने थर्ड पॉइंट जो है जीआईपीएच, जैसा कि नाम बता रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पीएच। तो हम पीएच देखते हैं स्टमक का होता है 1 से 3, स्मॉल इंटेस्टाइन का 5 to 7, लार्ज इंटेस्टाइन का 7 to 8। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है गाइस, कॉमन आयन इफेक्ट इज इंड्यूस्ड व्हेन स्ट्रॉन्गर एसिड या बेस सप्रेस आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। तो इसमें ये फंडा पहले आप क्लियर करिए माइंड में, कि अगर कोई ड्रग आयोनाइज है, ठीक है, मतलब उस पर चार्ज प्रेजेंट है, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, और चार्ज प्रेजेंट ड्रग मॉलिक्यूल है, तो वो उस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी। ओनली जो न्यूट्रल, हमारे जो भी न्यूट्रल मोली ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो अनआयोनाइज हैं, वही क्रॉस कर पाएंगे। तो हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जो आयोनाइज ड्रग्स होती हैं वो होती हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल, बट जो अनआयोनाइज ड्रग होती हैं वो हैं लिपिड सोल्युबल मॉलिक्यूल, जैसे कि हमारी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली। जो अनआयोनाइज, आप सिंपल याद रखिए, अनआयोनाइज होगा तो क्रॉस करेगी मेम्ब्रेन, नहीं होगा तो कैरियर चाहिएगा उसको, खुद से क्रॉस नहीं कर सकती। उसके बाद क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, जब स्ट्रोंगर एसिड, एग्जांपल के संग हम याद करते हैं, जैसे कि स्टमक में स्ट्रोंगर एसिड जैसे कि HCl, ठीक है,
सरप्राइज आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड या वीक बेस। तो HCl क्या करेगा, जो एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, उनकी आयोनाइजेशन रोक के। मतलब ये तो हमारे लिए अच्छा है कि ड्रग आयोनाइज नहीं हो पा रही फॉर इट्स एब्जॉर्प्शन। तो कॉमन इफेक्ट सिंपल यही है कि स्ट्रॉन्गर एसिड सप्रेस आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। उसके बाद जो एग्जांपल्स हैं कुछ वीकली एसिड ड्रग के, वो है बारबिट्यूरेट, सल्फोनामाइड, एनएसएड्स। एनएसएड्स का फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, वैसे नहीं है तो वैसे इसका ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। नॉन स्टेरॉयडल क्यों बोला है, क्योंकि इसमें स्टेरॉयडल रिंग प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन आयन इफेक्ट और पीएच हमारा जीआई का। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है गाइस, वो है जीआई एम्पटिंग एंड जीआई मोटिलिटी। जीआई एम्पटिंग मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का खाली होना। तो जो फैट जो हम डाइट में लेते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो है रिटार्डेड, मतलब डिक्रीज करेगा, रोकेगा बाय हाई फैट इन डाइट। अगर हम हाई फैट लेंगे अपनी डाइट के अंदर, तो क्या होगा, हमारा जो जीआई है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग है, वो नहीं हो पाएगा, मतलब पेट साफ नहीं हो पाएगा अगर हम हाई फैट लेंगे डाइट के अंदर। तो जब हम कहते हैं कि हमें फाइबर्स लेने चाहिए पेट साफ करने के लिए। उसके बाद अगर हम एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी लेंगे, तो वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को डिले करेगी, मतलब ड्रग एब्जॉर्ब बहुत धीरे धीरे होगी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो एज अ फार्मेसी फील्ड, तो उसके लिए ये बेटर भी है। क्यों, क्योंकि अगर हमने दवाई के साथ ड्रग को दे दिया जो वाटर सोल्यूबल है, तो उससे क्या होगा, जो कैरियर्स हैं वो लिमिटेड है, जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था। तो लिमिटेड कैरियर्स हैं और वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी और धीरे धीरे कैरियर्स उसको ले जाएंगे, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक वो असर करेगी दवाई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कैरियर्स हैं पाँच, जब तक कैरियर्स हमारे पास पाँच है ना, और हमने ड्रग ले ली 500 mg 600 mg, पर वो कैरियर्स इतने लिमिटेड नहीं है कि वो पूरे mg ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, तो हम क्या करेंगे, खाने के साथ दे देंगे, जिससे क्या होगा 50-50 mg धीरे 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 रिलीज होती रहेगी बॉडी के अंदर, और धीरे धीरे जो पाँच कैरियर्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे। तो ये भी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को इंक्रीज करते हैं, आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह। सो थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू न्यू हियर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इफ यू हैव एनी सजेशन, कमेंट डाउन बिलो। वी विल मीट।